बॉस अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया ना, मैं नहीं देखूंगा रूल वूल क्या है, मैं मारना हम्म, शुरू कर। आई डोंट रिग्रेट गोइंग टू बिग बॉस, बट आई रिग्रेट गोइंग इन दिस सीजन ऑफ बिग बॉस। मैं उसको बोला था कि ये टोन मेरे साथ यूज नहीं करना, लाइक नहीं आप कहना क्या चाहते हैं, अरे आप कहना क्या चाहते हैं, खुद के बोलिए ना जरा। तो बोला कि लिसन ये मेरे साथ मत कर, दूसरे समझ नहीं पा रहे, मैं समझ रहा हूँ कि तू क्यों कर रही है ये सब। शी इज नॉट द वन जो फर्स्ट 2-3 वीक्स में मुझे दिखी दिखाई दी थी, जहाँ पर शी वॉज ओपिनियटेड, शी वॉज डूइंग समथिंग राइट फॉर यू नो पीपल। गुस्सा मेरा निकलने के चक्कर में मेरे से वो निकल गई बात, विच यू नो आई 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 एम रियली सॉरी फॉर इट। The way she was hugging me, I just posted in the morning only. Like the way she was hugging me and kya kehte hain, puppiyan dete 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 dete, you know, thakri nahi thi. Hi, Bhavna, how are you? I'm good. How are you? Very good. The brightest smile, you know, jo press conference mein maine dekha tha na. Oh my God, main aisa tha ki ये तो मुझे इसने तो जरूर मेरे लिए वोट किया होगा। बट बिफोर वी गेट देयर, वेलकम टू बॉलीवुड बबल जय। थैंक यू सो मच, थैंक यू भावना। टेल मी समथिंग, आर यू, बिकॉज़ आई नो ऑफ कोर्स यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड विद द एग्जिट, बिकॉज़ आई एम श्योर यू डिड नॉट एक्सपेक्ट इट दिस सून, बट व्हाट डू यू थिंक, आपके हिसाब से वेयर डिड इट गो रॉन्ग, व्हाई डू यू थिंक दिस डिसीजन वाज टेकन? आई डोंट नो। So to start off, you know, they say everyone, I'm getting lot of comments and like, you know, from the industry people that Jay, tu wahi tha jo humne socha tha, jo humko malum hai tu hai. You know, you are not different, we are not surprised to see you as somebody else inside the house. So it was a big compliment. जिस मिनट मैं आया हूँ, सो एट नाइट 12:31 आई थिंक यू नो आई हैव रीच्ड होम, तब तक किसी को पता नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग यू नो ऑल द चैनल गाइस गॉट टू नो एंड आई वाज सो हैप्पी दैट व्हाट आई वन वाज दैट सेम डे आई गॉट टू शोज ऑफर। उन्होंने मुझे सीधा कहा दैट यू नो ये हम करते ही नहीं थे अगर तूने वहां पर अपना इमेज कुछ और कर लिया होता था तो। तूने वही किया जो तू है, so you know we could see that you know this is Jay Bhanushali. It's not that you know you're doing something to just get some brownie points there and like you know ki mujhe alag rehna hai ye karke. So abhi pichle interviews mein bhi mujhse pucha gaya tha ki do you regret going to Big Boss? I would say no, I don't regret because I was enjoying the house. I don't regret going to Big Boss, but I regret going in this season of Big Boss. Very well put, yeah. Yeah, because if you know, जैसे हमने इससे पहले जितने भी qualities के बारे में बात की, whether you talk about Rubina, you talk about Gauhar Khan, to every Bina, में एक quality आपने देखी होगी that you know वो task एकदम दिल से करते हैं, मतलब बोलते हैं ना they give their 100% task. Second, वो सच बोलते हैं और मुंह पे बोलते हैं, किसी के पीठ पीछे नहीं बोलते। आई थिंक यू नो वो सारी क्वालिटीज ये मुझ में थी। देन दूसरों के लिए भी खड़ा होना, जब आपको लगता है कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो वहां पर भी खड़ा होना, वो भी यू नो चीजें थी। आई थिंक यू नो मैक्सिमम टाइम्स यू नो आई माइट हैव नॉट स्टैंड फॉर माई सेल्फ, बट यू नो कभी किसी और के लिए हो रहा था तो मैं वो लड़ रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस सीजन के जो पैरामीटर्स है वो काफी बदल गए हैं। यू नो एक कूल वर्ड क्रिएट किया गया है धोखा दोगले को, मास्टरमाइंड का, यू नो और वहां पर प्रेजेंट वैसे किया जा रहा था कि यू नो एट द एंड हु इज मास्टरमाइंड, जो एक चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लाइक यू नो ही कैन डू एनीथिंग, बट दिस इज वॉट यू वॉन्ट एज अ विनर। आई डोंट नो बट दिस सीजन आई फेल्ट दैट यू नो वो चीजें हो रही थी, तो ये सारी चीजें मुझे इतनी अजीब लग रही थी घर के अंदर। दैट एंड माय मेन प्रॉब्लम वाज दैट दे वर नॉट इवन यू नो गिविंग मी क्रेडिट टू द थिंग्स व्हिच आई वाज डूइंग राइट। यू मेंशनड तेजू वाज योर फ्रेंड बैक देन, आज शायद वहां पे थोड़े कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोर्स होंगे, बट
But how do you reflect back on that friendship? Because जहाँ से हम देख रहे थे एक वक्त पे आप उनपे काफी भरोसा करते थे, especially करण and Teju. I mean, they were your very good friends. No, करण के साथ नहीं. करण के साथ. But Teju के साथ. But अब वो क्या हो गया? वो package हो गया था ना अंदर तो. मतलब अगर Teju है तो करण भी है. I mean, let's be honest. It came as a package then, right? Yeah. So in that sense, I'm talking. But आपको जब realize हुआ finally that you know things are being taken for granted and that तो वो time आपके लिए कैसा था and how did you decide that okay I need to distance myself now? नहीं नहीं distance तो मैं काफी हो ही गया था mentally मैं एक हफ्ते पहले ही हो गया था before you guys came in and okay but वो एक होता है ना कि यार वो पूरी तरह से confirm है कि नहीं that you know you need that before going and telling that person that you know now be on face and वहाँ पर एक ही problem है कि कोई सामने से आता नहीं था जब भी मतलब you know specially करण हो गया या कोई भी हो गया उन लोग literally you know they used to say that you know कि भाई तेरे साथ मेरे को लड़ना नहीं है because emotional होके तू बहुत सारी बातें बोल देता है जो मतलब game भी खोल देगा हमारी और साथ ही साथ तू इतना बोल देता है कि हम लोग फंस जाते हैं तो मेरा वही रहता था कि मैं उसको हमेशा बोलता था कि करण तुझे वो बंदा चाहिए जो सच बोले तेरे मुंह पे बोले कि पीठ पीछे तू चाहता है कि मैं तेरी बुराई करूँ और सामने मैं ये रहूँ बोला कि एट पॉइंट एट टाइम्स यू माइट बी वेरी राइट एंड आई विल सपोर्ट यू देयर आल्सो बट यू नो एट टाइम्स इफ यू आर गोइंग रॉन्ग एज अ फ्रेंड आई विल टेल यू दैट यू नो यू आर गोइंग रॉन्ग हियर ये करके तो मैं हमेशा बोलता था कि तू दिल का साफ मुझे बोल रहा है एक जगह पे और दूसरी जगह पे तू मुझे वीआईपी रूम में डालता नहीं है डे वन पे जब हम लोग वीआईपी में गए थे देयर मेन थिंग वाज दैट यू नो थैंक गॉड जय नहीं आया नहीं तो वो हमें वो करने नहीं देता था क्योंकि मैंने उनको सीधा कहा ही वुड वो हमारी बात नहीं मानता नहीं मानता मैं बात क्यों नहीं मानता क्योंकि उनके लिए वो रहता था कि उन लोग एक फॉर एग्जाम्पल अफसाना को वीआईपी रूम में डालने के लिए रेडी थे वहां पे लिखा होता बड़े अक्षरों में दैट यहाँ पर वही हकदार होगा जो यहाँ पे वही रहेगा जो ट्रॉफी का हकदार होगा सो इतने बड़े बड़े अक्षर लिखने के बाद इवन इफ फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट प्रतीक भी अगर होता था मैं प्रतीक के लिए भी लड़ता था बिकॉज मेरे लिए उस टाइम पे मेरे हमारे कुछ शॉर्ट आउट हुए नहीं थी चीजें प्रतीक के लिए भी मैं लड़ता था बिकॉज मेरा रहता था कि ही इज डिजर्विंग फॉर मी यू नो आई फील दैट यू नो ही डिजर्व स्पॉट एंड क्या मजा आएगा अगर समझो आप वीक लोगों के साथ कम्पीट करो अरे करना है तो टंकी क्योंकि फिनाले में आप सोचो यार अगर समझो वो चार फेसेस बड़े यू नो जो स्ट्रॉन्ग जो उन्होंने इतनी मेहनत करके यू नो 105 डेज निकाले साथ में खड़े होकर अगर समझो उनके सामने नहीं जीता तो फिर क्या मतलब ऐसे जीत का बट वेयर डिड डिफरेंसेस स्टार्ट टू कम व्हेन इट कम्स टू यू एंड तेजा बिकॉज़ वो बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग थी इन द बिगनिंग व्हेन डिड यू स्टार्ट टू रियलाइज दैट ओके थिंग्स माइट बी डिफरेंट देन व्हाट आई एम परसीविंग इट टू बी आई थिंक यू नो व्हेन आई रियलाइज दैट शी वाज not taking stand for right things and just to you know apne dost ko correct karne ke liye apne aap ko correct karne ke liye kuch bhi bol dene ka wahan par mere liye ye tha and you know as that main usko bola tha ki ye tone mere sath use nahi karna like nahi aap kehna kya chahte hain are aap kehna kya chahte hain khud ke boliye na zara to bola ki listen ye mere sath mat kar dusre samajh nahi pa rahe main samajh raha hu ki tu kyun kar rahi hai ye sab तो ये सब मेरे साथ मत खेल क्योंकि ये सारी चीजों में मैं क्या कहते हैं माहिर हूँ मैं शुरू नहीं करूँ मैं शुरू करना चाहूंगा ना तो फैन में मैं एक एक पॉइंट को पकड़ पकड़ के है ना क्या कहते हैं ये कर दूंगा पूरा उसका मुद्दा बनाऊंगा देन यू नो वो वीआईपी रूम में जाने के बाद देन यू नो हर टोन सडन टोन चेंज वेयर यू नो शी इज सेइंग हम आपको बताएंगे तो मेरा ये था यार शिट मैन शी इज नॉट द वन जो फर्स्ट टू थ्री वीक्स में मुझे दिखाई दी थी जहाँ पर शी वॉज ओपिनियटेड शी वॉज डूइंग समथिंग राइट फॉर यू नो पीपल लेकिन सडनली पता नहीं क्या चेंज आ गया क्या बोलते चंगू मंगू बन के सब साथ में लड़ने शुरू हो गए बट आपको ऐसा लगता है जय कि कहीं ना कहीं जब सलमान सर ने आपको बोला कि यू नो स्पेशली आफ्टर दैट एपिसोड वेर इन यू डिड अब्यूज यूज अब्यूजिव लैंग्वेज ऑन द शो एंड सलमान सर लिटरली स्कोल्डेड यू बिकॉज ही feels that right on you. He has seen you grow over the years, right? And he corrected you and he told you, is this what you want to portray outside, especially to your family and to your daughter? Right. And I think uske baad aap thode se sober ho gaye the in the sense that you were controlling what you were saying because
obviously at the back of your mind you don't want to disappoint your daughter and your family. Do you think वहाँ से थोड़ा सा game में change आया जा, क्योंकि क्या हो गया ना हम लोग को क्या लगा कि जब जब आप कर रहे थे तो लोग बोल रहे ये कितना कर रहा है कितना कर रहा है कितना कर रहा है. जब आप नहीं कर रहे हो मतलब आप थोड़े से sober हो गए तो people are like अभी कुछ नहीं कर रहा है, you know, so वो middle ground कहीं आ नहीं पाया. Do you also feel that? नहीं मिडिल ग्राउंड अच्छा सो उस मामले में ठीक है. तो भाई ने जो बोला वो बहुत सही बोला, लेकिन क्या हो जाता है कि रियल लाइफ में अगर कोई मेरे से ऐसे बदतमीजी करे कि मेरा कॉलर पकड़े ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मुझे अगर सामने 6 फुट का भी आदमी मिल जाए ना, मुझे मालूम है मैं उससे शायद 2-4 फटके ज्यादा खाऊंगा, लेकिन मैं एक सॉलिड पंच तो मार के ही जाऊंगा. मेरा है दिस इज मी में वो है कि भले वो कितना भी मोटा मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग ये हो, लेकिन एक फाइट तो दूंगा ही दूंगा जो वो याद रखेगा कि एक फाइट खाई है मेरे से बराबर वाली. लेकिन जब आपका वो रोक दिया जाता है, आपको बोला जाता है कि यू नो यू कांट बी अग्रेसिव, तो फिर मेरे लिए वो था कि वो गुस्सा मेरा निकलने के चक्कर में मेरे से वो निकल गई बात, विच यू नो आई 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 एम रियली सॉरी फॉर इट, बिकॉज इतनी आसानी से मेरे से ये सब बातें निकलती नहीं है. लेकिन देन यू नो that house and then you know suddenly that first week jahan par aap adjust hone ki koshish kar rahe and you know things like this jo jab maine first episode mein hi yahi reason se maine bhai ko bol diya tha because mujhe malum tha ki mera ek hi jagah pe main shayad bahut galat ho jaunga wo kisi ko maro to isliye maine pehle se mera tha ki ab bol deta hu usme bhi maine jab creative team jab mere paas aayi thi meeting ke liye us din bhi maine keh diya tha ki boss agar kisi ne mujhe haath lagaya na main nahi dekhunga rule bhul kya hai main marna shuru ye karke. तो मेरा था कि मुझे भाई को भी बोलना है बिकॉज मे भी वो भाई को उन्होंने बताया नहीं हो और शायद कुछ आगे जाके ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पर वो कोई मेरे पे हाथ उठाए, तो मेरा था कि बोल देता हूँ, एटलीस्ट यू नो ही विल नो दैट यू नो मेरा मैंने डे वन से ये क्लियर स्टैंड रखा था कि मुझसे कोई फिजिकली जैसे मैंने कहा था कि बदतमीजी चलेगी लेकिन बेइज्जती नहीं. तो ये चीज मैंने कहा था कि ठीक है आप कुछ भी बोल लो, आप मुझे गाली भी दे दो, मैं वो सब देख लूँ, लेकिन ये सब बदतमीजी मेरे साथ आप ना ही करो वो बेटर है. तो या मतलब उसके बाद लेकिन एक्चुअली मेरा चेंज ओवर माना कहाँ से आया मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ. सो नाउ व्हेन आई एम वाचिंग माय एपिसोड्स फर्स्ट 3 वीक्स में यू नो आई वाज देयर इन प्रोमो सिंगल थिंग. देन एक टास्क आया था एंड टास्क में बेसिकली दे वर जैसे लास्ट वीकेंड में बोला गया था दैट जय लग रहे थे फर्स्ट 2-3 वीक्स में दैट यू नो वो विनर होने वाले शो पे दैट मेंशन वीकेंड का अब वाले में. तो अगर लग रहा था आई वाज गिवन द 6th पोजीशन इन द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर. तो क्या हो जाता है कि जब आप मेहनत करते हैं जब आप भी काम करते हैं एंड देन यू नो योर सीनियर्स और योर बॉस और यू नो समबडी डज नॉट अप्रिशिएट द एफर्ट. It was difficult for me. Every morning I used to get up and you know I used to discuss with everyone ki kya kare kya kare kya kare matlab masti ke mamle mein comedy ke mamle mein sab cheeze. And then you know when I was getting a 6th number I was like okay like then what's the point like because us time pe sabse badi fight ho ya fir sabse bada mudda ho ya fir मस्ती के बारे में हो या कुछ भी हो मैंने सब में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है. मतलब यू नो आई कुड सी माय सेल्फ इन 1, 2, 3, even 4 बट 6 वाज लिटिल दिस थिंग. तो मेरा ये था कि ठीक है नाउ इट्स देयर थिंकिंग ये करके बट लेटर ऑन यू नो आई कुड सी दैट चेंज इन बिहेवियर ऑफ यू नो कि कैसे वो चीजें यू नो चेंज कर रहे थे. यू नो वीकेंड के बारे में भाई नेवर यूज्ड टू से एनीथिंग टू मी बट यू नो वो सेलेब जाके देन पीपल यूज्ड टू पुल मी डाउन. तो मेरा था कि मैं मुझे बोला गया अगर मुझे बोला गया है ठीक है आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट तो ही इज माय फ्रेंड बट स्टिल आई विल मेंशन हिम. सिम्बा पूरे सीजन में नहीं था. He was sleeping the whole season. He was actually sleeping the whole season. तो मेरा यही कि आप उसको कह रहे हो कि सिम्बा आपका बहुत अच्छा है आप एक वर्ड बोलते हो पूरे दिन में लेकिन वो सही बोलते हो सच बोल के आपका आप अच्छा लगे.
लेकिन उसी टाइम पे मैं सारे मुद्दे में सारी चीजों में मैं अपना वो दे रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ इस वीक, तो आई डिड नॉट डिजर्व दिस. बट आई वॉन्ट टू नो ऑल्सो विशाल के साथ क्या क्या मतलब what went wrong there, because yesterday I was speaking to Vishal and yeah. I asked him the same question, what went wrong between you and Jay, and he said he doesn't know, he just doesn't know exactly what went wrong. But I want to know from you, because I feel that you matlab unko aisa laga ki kahin na kahin aapne koi grudge leke rakha hai apne dil mein unke against, which he is unable to sort of understand. But I want you to tell ki exactly kya, what went wrong there, Jay. Nee, nothing. Main pura explanation nahi dunga, because mere liye abhi aisa hai ki kahani khatam, baat khatam. I don't want to get, I will not say I will be the best friends with Vishal, but it's not that I will not be cordial also with him. क्या है कि वो सिचुएशन ही ऐसे रहते घर के अंदर कि घूम फिर के वही लोग आपको मिल रहे हैं, वही चीजें हो रही है. My thing is that when I'm calling you as my friend Priyana, then मैं आपके पीठ पीछे कभी बात नहीं करूंगा. मेरे लिए वो भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा एक इशू रहता है मेरा, है कि if I'm calling you my friend, वो फ्रेंड है. लाइक यू नो, अगर करण, मैंने शुरू से रखा था करण के लिए कि यार, क्योंकि करण एक बार आया था मेरे से दोस्ती करने के लिए और मैं आया था उसके पास वापस यू नो दोस्ती करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वो बातों में ही रह जाती थी, वो कभी एक्शन में या फिर यू नो चीजों में दिखाई नहीं देती थी. तो मैं फिर बोलते थे कि फिर ऐसे ही रखते हैं, क्या कि इट्स मच बेटर, लाइक बिकॉज इफ आई एम कॉलिंग यू माय फ्रेंड ना, देन यू नो आई विल फाइट फॉर यू, आई विल डू मेनी थिंग्स फॉर यू, लाइक ये मैं हूं. बट अगर वो, तो मेरा वो ये है कि इस पीठ पीछे बात करना भी मेरे लिए एक वो है कि when you're calling somebody a friend, then you know it's much better कि सामने बोल दे तो at least he will improve in that you know zone. तो वही चीज था. then उसके बाद the things जो मुझे सुनाई दे रही थी, you know कि वो ऐसे ऐसी लाइनें बोल रहा है, you know, so मेरे लिए वो था कि यार, I don't want to be you know associated with somebody जो you know इतने मस्ती में भी, लेकिन क्या है टेलीविजन में आके ये जोक्स मुझे बहुत अच्छी तरह से सब आते हैं, लेकिन यू नो ये एक मैं और माही आपस में बोले वो अलग हो गया, और एक नेशनल टेलीविजन पर बोलना एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आ जाता है इस पे. तो मेरा वही था कि ये उसने कभी मेरे सामने नहीं बोला, क्योंकि बोलता था तो मैं उसी पॉइंट पे उसके साथ भी शुरू कर देता था. फिर उसने मेरा बोला नहीं, जब मैंने सुना तो आई वाज लाइक, डूड व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गाय. वो उस पॉइंट पे वो था, हिज इंटेंशन माइट बी यू नो कि बस कॉमेडी करना है मुझे या फिर कुछ करना है, लेकिन वो क्या हो जाता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बिग बॉस में आपको हर मिनट जज किया जा रहा है, यू नो एवरी मिनट एवरी सेकंड यू नो यू आर बीइंग जज्ड, एंड इवन योर फ्रेंड्स विल बी जज्ड बाय दैट. या तो वहां पर ही मेरा ये था कि इट इज ओके दैट यू नो आई विल लूज वन मोर फ्रेंड, लाइक लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ पर भी बाहर भी अगर समझो कोई इतनी ऐसी बातें करे चार लोगों के बीच में, आई विल टेल हिम लिसन स्टॉप इट, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, क्या कहते हैं, बिकॉज आई विल नॉट लाइक इट इफ समथिंग लाइक दिस, कोई जोक मेरे बीवी के लिए कोई मारे, एंड देन यू नो आई एम क्वाइट. तो वहां पर ही मेरा, आई वॉज जस्ट यू नो बींग मी यार, एंड वो फिर मैं वो एलाइज और यू नो ग्रुप बनाने के चक्कर में किसी की वो किसी की गलती या फिर किसी को क्या कहते हैं चापलूसी में से पूरी नहीं मेरा था कि यार. But how is Mahi and everyone like treating you after you've come out, because I know she was also very tense seeing you inside going through, especially in the episode where you had a emotional breakdown, right? What was that reunion like? Nothing, you know, Mahi just started crying. I think I had posted that video also on my Instagram. You know, we both are emotional, emotional fully बोल दो भाई, लेकिन ठीक है यार, वैसे जीना मुझे ज्यादा पसंद है यार. हर हर इंसान को उस तरह आप नहीं मिल सकते कि मुझे इससे क्या फायदा होने वाला है, वो नहीं होता. वो फिर कुछ लोग हैं जो बहुत ही बाखूबी कर लेते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं कर पाते, और तभी यू नो किसी को दोस्त मानते हैं जब वो मीन करते हैं. तो बहुत इमोशनल हो गई थी, शी वाज क्राइंग, एंड देन यू नो it was actually her decision, I will tell you, to send me in Big Boss, because ये साल मुझे नहीं करना था. I kept telling her, you know, Mahi, Tara is too small, you know, she's just too, and मुझसे नहीं हो पाएगा शायद, मुझे feel हो रहा है कि मैं I will miss her a lot. तो वो एक चीज थी, लेकिन then once I entered that
after 2 weeks, 3 weeks, you know, that was वो धीरे धीरे that was कि अभी करना है, करना पड़ेगा तो करते हैं, ऐसे करके मेरा चल रहा था. लेकिन yeah, I mean, you know, it was fun meeting them. Plus Tara, oh my god, कल we went for a dinner date and the way she was hugging me, I just posted in the morning only, like the way she was hugging me and क्या कहते हैं पप्पियाँ देते 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 ये ना थकरी नहीं थी. तो फिर बाद में ऐसा था आई हाय यार लाइक सो नो रिग्रेट्स एट ऑल. जस्ट दैट यू नो ये सीजन का एक रिग्रेट रहेगा कि द पैरामीटर्स ऑफ अ विनर हैज बीन चेंज्ड. दैट्स इट. आई विल बी ऑनेस्ट एंड आई विल लाइक यू नो फाइट अलोन अगर समझो कोई भी मेरा साथी थे. लेकिन इट इज मच बेटर दैट चूजिंग बिटवीन मास्टर माइंड एंड द राइट गाय. आई विल ऑलवेज चूज द राइट. That's such a lovely way to end this also. Thank you so much, Jay. Hopefully we can meet soon and do a proper interview. 100%. But thank you so much. And I also sort of believe that this was a wrong. You were the right guy, but the season was wrong is what I feel. But I just love you for this. I just love you for this. Thank you. Because this is what I felt as soon as I got out of the show. And during the show also, mujhe aisa lag raha tha that this is not the right season for me. And this coming from you also means a lot. Yeah, thank you so much. See you. Bye. Bye. Yeah.